अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे अमेजिंग और फ्यूचरिस्टिक पर्सनल ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 8, लेजरथ LMV। दोस्तों, आप में से हर कोई प्लेन्स, जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के बारे में तो जानता ही होगा, लेकिन ये जो फ्लाइंग मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, इस जैसी व्हीकल आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये फ्यूचर की एक मॉडर्न और स्टाइलिश इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक है जो कि बैटरी से चलती है। ये दुनिया की सबसे पहली मोटर बाइक है जो कि एक्चुअल में फ्लाई कर सकती है। इस बाइक के अंदर 4 टायर्स लगाए गए हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। इसके अंदर 1300 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो कि इसको फ्लाई करने में मदद देता है। रोड पर ड्राइविंग के दौरान सिर्फ एक स्विच दबाने पर ये मोटर बाइक एक क्वाड कॉप्टर में बदल जाता है, जिसके हाइड्रोलिक व्हील्स खुद ब खुद मूव करते हुए फोल्ड हो जाते हैं और सिर्फ 60 सेकंड के अंदर इसका फ्लाइंग मोड काम करना शुरू कर देता है। इसकी दोनों साइड्स पर जॉयस्टिक लगाए गए हैं जो कि आपको इसे कंट्रोल करने में मदद देते हैं। जब ये मोटर बाइक फ्लाई कर रही होती है तो इसके डैशबोर्ड पर फ्लाइंग इंफॉर्मेशन जैसे कि स्पीड, पोजीशन और लैटिट्यूड वगैरह डिस्प्ले होता है, जिसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये जमीन से 3.3 फुट की ऊंचाई तक जा सकती है। इस मोटर बाइक को आप रश वाली जगहों पर फ्लाइंग मोटरसाइकिल में बदलकर अपना टाइम बचा सकते हैं। ये हवा में 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली फ्लाई कर सकती है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इसको हर कोई ड्राइव कर सकता है, क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है। ये फ्लाइंग बाइक वाकई में इनक्रेडिबल है। नंबर 7, लूमो। दोस्तों, रोबोट्स हम सबके लिए हमेशा से अट्रैक्शन का बाइस रहे हैं। इनकी लुक भी इंसानों जैसी होती है और ये तकरीबन हर काम भी इंसानों की तरह कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रोबोट्स इंसानी तारीख की एक इनक्रेडिबल इन्वेंशन है, लेकिन ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, इस जैसा रोबोट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये असल में एक स्कूटर है जो कि फ्यूचर के लिए बनाया जाने वाला एक बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये व्हीकल बिल्कुल एक रोबोट की तरह काम करती है और सबसे मजे की बात यह है कि आप इस पर राइड भी कर सकते हैं। ये रोबोट एक मिनी ट्रांसपोर्टर का काम करता है। इसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी की बैटरी लगाई गई है जो कि एक दफा चार्ज करने के बाद 35 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 17 किलोमीटर पर आवर होती है। इस बाइक में 2 टायर्स लगाए गए हैं और इनके दरमियान एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर खड़े होकर आप इसको राइड कर सकते हैं। इस रोबोटिक व्हीकल को सेगवे कंपनी ने डिजाइन किया है। इसके अंदर AI सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से ये खुद ब खुद आपको फॉलो करके आपके पास आ जाता है। इसमें गए कैमरास की मदद से आप अपने गेट पर आने वाले लोगों को भी देख सकते हैं। ये बाइक बिल्कुल एक रोबोट की तरह आपसे बात भी कर सकता है। इसके अलावा ये आपके स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है ताकि आप इसमें मौजूद मजीद फीचर्स का भी फायदा ले सकें। ये फ्यूचर में आने वाली सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजीज में से एक है। नंबर 6, जायरो बॉल। दोस्तों, आपने होवरबोर्ड और होवर शूज का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये दोनों चीजें हम सिर्फ और सिर्फ घरों के अंदर या शॉपिंग मॉल्स जैसी जगहों पर ही यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमेजिंग राइड आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक राइड है जो आप सिटी के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसकी शेप बिल्कुल एक बॉल जैसी होती है और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। ये बॉल रबड़ की बनाई गई है और इसमें यूज होने वाला रबड़ बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है जो कि बहुत ही रिलायबल भी होता है। इसका वेट सिर्फ 9 किलोग्राम है और इसको कैरी करना भी काफी इजी है। इसके अंदर 500 वाट की पावरफुल मोटर लगाई गई है जो एक दफा चार्ज करने पर 19 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है। इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसके अंदर एक एडवांस सेंसर लगाया गया है जो कि आपके सेल्फ बैलेंस पर लेफ्ट या राइट मुड़ जाता है। इसके पैडल फोल्डेबल होते हैं और ये बॉल आसानी से एक बैग में भी फिक्स हो जाती है। ये व्हीकल सिटी के अंदर कहीं भी ट्रेवल करने के लिए बेस्ट है। ये 100 किलोग्राम तक का वेट इजिली कैरी करके कहीं भी चलाई जा सकती है। ये स्कूटर राइडर को एक स्मूथ राइड प्रोवाइड करता है। इस पर सफर करना सच में बहुत एक्साइटिंग होगा। नंबर 5, YX1। दोस्तों, सिटीज में ई स्केटबोर्ड्स और ई स्कूटर्स तो यूज होती ही हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्कूटर को सिटी से बाहर लेकर जाना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं, अब इस एडवांस व्हीकल की बदौलत आपके लिए कहीं भी जाना नामुमकिन नहीं रहा। ये व्हीकल स्केटबोर्ड और स्कूटर दोनों की क्वालिटीज रखती है। इसको स्पेशली ऑफ रोड रस्तों पर चलने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल मोटर लगाई गई है जिसकी मदद से ये अपना काम एफिशिएंटली तरीके से अंजाम देती है। इसके पीछे की
तरफ जो पावरफुल टायर लगाया गया है वो हिस्ट्री के तमाम ई स्केट्स और ई स्कूटर्स में यूज होने वाले टायर से बड़ा है। प्लस इसके आगे की तरफ दो टायर्स लगाए गए हैं जो कि आपको स्मूथ और बैलेंस्ड राइड प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ एक हैंड ग्रिप वायर भी होती है जिसकी मदद से आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस आप अपना बैलेंस लेफ्ट या राइट जिस तरफ मूव करेंगी ये भी उसी तरफ मुड़ता जाएगा। ये स्कूटर 120 किलो तक का वेट कैरी कर सकता है। इसके अंदर डिस्क ब्रेक सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से ब्रेक लगाने पर ये फौरन रुक जाता है। इसको एक दफा चार्ज करने के बाद आप 60 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होती है। ये बाइक सिर्फ 3 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है और फिर आप इस पर राइडिंग का मजा ले सकते हैं। नंबर 4 रॉकेट स्केट्स। सो रोलर स्केट्स का नाम तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और हमें इनको चलाने का भी बहुत ही शौक होता है, लेकिन इनको चलाना कोई आसान काम नहीं होता। इस दौरान अक्सर लोग गिर जाते हैं और इन्हें चोट भी लग जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये जो फ्यूचरिस्टिक स्केट्स आप देख रहे हैं ये जदीद दौर की एक अमेजिंग इन्वेंशन है। इन स्केट्स की दोनों साइड पर व्हील्स लगाए गए हैं जो कि इसका बैलेंस मेंटेन रखने में मदद देते हैं और आपको गिरने से बचाते हैं। इसके ऊपर पांव के साइज को एडजस्ट करने के लिए स्ट्रिप्स लगाई गई हैं जिसकी वजह से ये स्केट्स हर साइज के पांव के लिए सूटेबल हैं। इनकी स्पीड 19 किलोमीटर पर आवर होती है। ये स्नो वाली जगहों पर भी इजीली चलाई जा सकती हैं और इसकी सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपका दिल वॉक करने को चाह रहा हो तो आपको इन स्केट्स को उतारने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप जैसे ही अपने पांव के अगले हिस्से को जमीन के साथ टच करेंगे तो आपका पूरा पांव जमीन के साथ लग जाता है और आप इजीली चल सकते हैं और इसके अलावा सीढ़ियां वगैरह भी चढ़ सकते हैं। इन स्केट्स के अंदर रिचार्जेबल बैटरी लगाई गई है जिसको मुकम्मल चार्ज करने के बाद आप इन्हें 3 घंटे तक मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गैजेट वाकई में बहुत अमेजिंग है। नंबर 3 ड्रैगन फ्लाई। दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो ई स्कूटर है इसे ड्रैगन की शेप पर डिजाइन किया गया है। इस स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बहुत ही एडवांस मटेरियल यूज किया गया है जो कि एक हाइपर कार में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको एक हाइपर स्कूटर भी कहा जाता है। ये दुनिया का पहला हाइपर स्कूटर है जो कि आपके राइडिंग स्टाइल के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आपको एक फन राइड देता है। इसके फ्रंट पर 4.5 इंच की स्क्रीन लगाई गई है जो कि GPS और ब्लूटूथ को यूज करने के लिए होती है और मजे की बात यह है कि इसकी हेल्प से हम अपना फेवरेट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इसमें 4 टायर्स लगाए गए हैं जो कि पंचर रेजिस्टेंट होते हैं। इसके फ्रंट पर LED लाइट्स भी होती हैं जो कि आपको रश वाली जगहों पर विजिबल रखती हैं। ये स्कूटर आसानी से फोल्ड हो जाता है और आप इसे इजीली कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है जो कि काफी ज्यादा है। इसका यूनिक डिजाइन इसे दूसरे ई स्कूटर से मुख्तलिफ बनाता है। ये सच में कमाल है। नंबर 2 1WX R। दोस्तों आपने 4 व्हील वाली स्केट बोर्ड तो काफी देखी होगी, लेकिन फ्यूचर के लिए बनाई जाने वाली ये सिंगल व्हील स्केट बोर्ड आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इसको कैलिफोर्निया की एक मशहूर कंपनी सेंटा क्रूज ने डिजाइन किया है और इसका टायर सिंगल होने की वजह से ये तमाम इलेक्ट्रिक स्केट से डिफरेंट है। ये देखने में बहुत ही यूनिक लगती है और ये ऐसे स्टंट्स परफॉर्म कर सकती है जो कि कोई भी आम स्केट बोर्ड नहीं कर सकती। इसके अंदर लाइट्स भी लगाई गई हैं जो कि शाम और रात के वक्त आपको एक सेफ राइड करने में मदद देती हैं और जब आप लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो इसमें लगाया गया सेंसर इन लाइट्स को ऑन होने में मदद देता है। ये स्केट ना सिर्फ सिटीज में बल्कि ऑफ रोड जैसे कि बीच, सैंड और रफ रोड्स पर भी इजीली चलाई जा सकती है। इसके अंदर 750 वाट की मोटर लगाई गई है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती है और ये एक दफा चार्ज करने के बाद 6 से 9 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। इसकी फुट प्लेट पर सेंसर लगाए गए हैं। जब आप अपना पांव आगे की तरफ झुकाते हैं तो इसकी स्पीड तेज हो जाती है और पीछे की तरफ दबाने पर इसकी स्पीड कम हो जाती है और इसे स्टॉप भी किया जा सकता है। इसकी बैटरी फास्ट चार्जर से सिर्फ 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। ये फ्यूचरिस्टिक गैजेट वाकई में अमेजिंग है। नंबर 1 किवानो को 1+। दोस्तों माइक्रो ट्रांसपोर्ट जो कि कभी एक ख्वाब लगता था अब एक रियलिटी बन चुका है। लोग सदियों से ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिससे टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो जाते हैं, लेकिन जदीद दौर की इस इनक्रेडिबल इन्वेंशन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया है। ये व्हीकल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि आपको एक स्मूथ और कंफर्टेबल राइड देता है। इसके अंदर लिथियम आयरन बैटरी लगाई गई है जो कि शॉक प्रूफ होती है। मोर ओवर इसमें 1000 वाट की मोटर लगाई गई है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। ये व्हीकल 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और इसका व्हील बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रबड़ से बनाया गया है जो कि आपको पथरीले और खराब रास्तों पर भी एक स्मूथ और कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। इस पूरी यूनिट का टोटल वेट सिर्फ 16 किलोग्राम होता है और ये 250 किलो तक का वेट कैरी कर सकती है। इसके दोनों हैंडल्स के दरमियान में LCD लगाई गई है जो कि इसकी स्पीड बताती है। इसके पैडल फोल्डेबल होते हैं जो कि आसानी से व्हील के साथ अटैच हो जाते हैं। इस व्हीकल की बैटरी
बहुत कम टाइम यानी कि सिर्फ एक घंटे में चार्ज हो जाती है। इसके फ्रंट और बैक पर LED लाइट्स लगाई गई हैं, जिनकी मदद से रश वाली जगहों पर चलना बहुत ही इजी हो जाता है। इस स्कूटर के टायर्स मार्केट में दो डिजाइन्स में अवेलेबल हैं। एक टायर सिर्फ इनर सिटी के लिए यूज हो सकता है, जबकि दूसरा ग्राउंड, बीच और सैंड वाली जगहों पर भी चलाया जा सकता है। ये इन्वेंशन रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।